नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। वजन में कमी, ट्रिम की दाढ़ी, खुंडी मूछें और तीखी जुबान, नवजोत सिद्धू पटियाला जेल से बाहर आने के बाद इसी अंदाज में दिखे। सिद्धू ने जेल में रोडरेज केस में 1 साल की कैद काटी। हालांकि छुट्टी न लेने की वजह से उन्हें 317 दिन बाद रिहा कर दिया गया। जेल में बंद रहने के बाद सिद्धू की बॉडी और लुक में जरूर बदलाव दिखा, लेकिन तेवर उसी तरह तीखे रहे जैसे जेल जाने से पहले थे। सिद्धू ने बाहर निकलते ही अपनी बातों से जता दिया कि पंजाब में आने वाले दिनों में राजनीति गरमानी तय है। आम आदमी पार्टी AAP की एग्रेसिव पॉलिटिक्स के आगे सिद्धू से उनका जबरदस्त जुबानी मुकाबला होना तय है। सिद्धू मेंटली तौर पर पंजाब सरकार से ही सियासी जंग लड़ने की तैयारी करके आए हैं। रोडरेज केस में सजा होने के बाद सिद्धू को 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रोडरेज केस में 1 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सिद्धू ने 20 मई को सरेंडर किया। 6.2 फुट के सिद्धू जब जेल गए थे तो उनका वजन 130 था। हालांकि जेल में रहते हुए उन्होंने अपना वजन 30 किलो घटा लिया। इस वजह से सिद्धू पहले से थोड़ा पतले लेकिन फिट नजर आ रहे हैं। नवजोत सिद्धू को उनकी जुबान व हाव भाव की वजह से ज़्यादा जाना जाता था। 1 साल कैद काटने के बाद सबकी उम्मीद के विपरीत सिद्धू शांत होने की वजह एग्रेसिव दिखे। बाहर आते ही उन्होंने पंजाब सरकार से लेकर केंद्र तक की बखियां उधेड़नी शुरू कर दी। सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा हमला बोल उन्हें अखबारी CM बताया। अरविंद केजरीवाल से चुनाव के वक्त रेत व शराब से कमाई का हिसाब मांगा। राहुल गांधी के बहाने केंद्र सरकार को कोसा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।